क्या मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चे, ये मामला, ये बवाल क्यों उठा? मसला उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग, जो लंबे समय से स्कूलों में बच्चों के प्रताड़ित किए जाने के साथ साथ दूसरे मामलों की जांच कर रहा था। आयोग को शिकायत मिल रही थी कि कई स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर काम किए जा रहे हैं। इसके बाद उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने जांच करवाई तो कई बड़े खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में स्कूलों के साथ साथ मदरसों की भी, जो है स्कूल के साथ मदरसे भी चलाए जा रहे हैं। और उसमें खुलासा हुआ कि 10% बच्चे जो हैं गैर मुस्लिम हैं। मदरसा बोर्ड की रिपोर्ट के बाद अब सियासी बवाल मचना तय था। कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस दोनों पर वार कर रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस। कांग्रेस यह कह रही है कि बीजेपी हिंदुत्व के मॉडल का जिक्र करती है, लेकिन यह राज्य में चल क्या रहा है? दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर उसने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की एक रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया है कि राज्य के 30 मदरसों में पढ़ने वाले 700 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। कुल आबादी इन बच्चों की अगर हम बात करें तो लगभग 7,399 छात्र हैं और 10% जो है वो गैर मुस्लिम हैं। अब कैसे बार पलटवार हो रहा है, पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्या उत्तराखंड में मदरसों में पढ़ रहे हिंदुओं के बच्चे? बीजेपी के इस दावे से और राज्य में मचा हड़कंप। बीजेपी का दावा सच या फिर सियासी फसाना? उत्तराखंड में सभी मदरसों की जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं और जांच की बात के बीच में एक और बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है। दावा ये कि कुछ मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मदरसों की मैपिंग के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें इस बात के खुलासे होने का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में 30 मदरसों में पढ़ने वाले 7,399 बच्चों में से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं, यानी 749 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी 30 मदरसे वो हैं जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं और जिनकी संख्या हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बताई जा रही है। इस रिपोर्ट के खुलासे से उत्तराखंड में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है, जिसमें कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी पर तो बीजेपी सिस्टम पर आरोप लगा रही है। बहस छिड़ी है तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी सामने आए। महेंद्र भट्ट ने इस मामले में जो बयान दिया उसने मदरसों के प्रबंधन पर सवालिया निशान लगा दिया। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप चस्पा करते हुए सरकार को कैसे घेर रही है, अब वो भी देखिए। बिल्कुल, आईना है सरकार को भी, आईना है जनता को भी कि हिंदुत्व की बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करने वाली पार्टी आज उसकी नाक के नीचे अगर उत्तराखंड देवभूमि के 30 मदरसों में 749 बच्चे गैर मुसलमान पाए जा रहे हैं तो ऐसे में या तो सरकारी व्यवस्थाओं से जनता का ध्यान उठ रहा है या फिर यहाँ शिक्षा के अधिकार का अनुपालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है और कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है। कल मैं एक चर्चा में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के साथ जुड़ी थी और इतनी बेतुकी बेसिरपैर की बातें वो कर रहे थे। नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी को मक्खन लगाने से उनको फुर्सत नहीं थी, उनकी चाटुकारिता करने से फुर्सत नहीं थी। घोषित हो चुके हैं जिनमें चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, व्यावसायिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है, गोरखा प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ है, एनजीओ प्रकोष्ठ है, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, पंचायत प्रकोष्ठ है, बुनकर प्रकोष्ठ है, मछुआरा प्रकोष्ठ है और 3 प्रकोष्ठ जो हम बहुत जल्दी घोषित करेंगे उसमें विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ। तो 16 प्रकोष्ठ
हमारे बनेंगे इस प्रकोष्ठ को हमको भी और अनुमति मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने भी मदरसों की जांच की बात कह डाली। उन्होंने कह दिया कि अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि मदरसों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बच्चों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। जांच की बात करते हुए मुफ्ती ये भी कहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर तो नहीं डाला जा रहा, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। मगर अभी तक जो हमारे सामने जो रिपोर्टें आई हैं वो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, ऐसी कोई चीज़ अभी हमें नहीं मिली है। और अगर कुछ मदरसों में ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी तादाद बढ़ाने के लिए या उन्हें उस बच्चों की तादाद ज़्यादा बढ़ने से चंदा मिलता हो या उन्हें डोनेशन मिलता हो, ऐसा हो सकता है, वो भी हम उसका भी संज्ञान लेंगे। और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, उनकी जांच भी कराएंगे। जांच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे घबराना चाहिए, बल्कि उसे फेस करना चाहिए और सही तथ्यों को मदरसों के संचालकों को सामने रखना चाहिए। उत्तराखंड में अगर सरकारी महकमों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कर्मचारी शिक्षा विभाग में है और शिक्षा विभाग उत्तराखंड के कोने कोने में फैला हुआ नजर आता है। लेकिन मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर यही कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का शिक्षा विभाग नाकाम है और विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र बसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, शिषपाल जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है, हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का तेजतर्रार चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बसीन साहब आप इसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं आप, सर ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? ये बहुत गंभीर मामला है और जिस प्रकार से ये 10% बच्चे 3 मदरसों में गैर मुस्लिम है और ये बात जांच के बाद सामने आई है तो इसकी बहुत गहराई से जांच की जा रही है। अच्छा, तो यानी आप मान रहे हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? नहीं देखिए, ऐसा जब आप कभी कहीं लैप्स हुआ है, अगर लैप्स हुआ है तब किसने किया है देखने की बात है, और वो भी आपके राज्य में। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हमारे राज्य की बात हो या पिछले राज्य की बात हो, नहीं नहीं लैप्स होते अगर यही अगर ना ना ये तस्वीर थोड़ी सी विपरीत कर देते हैं, अगर यही हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुआ तब तो देखिए ऐसा जो मेरी बात को मैं रखना चाहता हूँ पहले। फिर तो सर आप तो मौलाना बना के किसी को भी दिखा देते। नहीं नहीं, मौलाना बना के नहीं दिखा देते, मौलाना तो उन्होंने कहा था इसलिए दिखाया था। अच्छा, वो तो अभी ऑन रिकॉर्ड है, कहा था उन्होंने और उसके आपका वीडियो आपके पास भी है। मेरा कहना ये है कि लैप्स हुआ है और ये लैप्स हमारी सरकार ही पकड़ती है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इससे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्रवृत्ति घोटाले थे वो भी हमारी सरकार ने पकड़े, किस प्रकार से बिना रजिस्ट्रेशन के बच्चों के नाम पर लोगों ने छात्रवृत्तियां खाई वो भी हमने पकड़ा। छात्रवृत्ति घोटाले में कौन अंदर गया वो एक अलग बहस का विषय हो जाएगा, लेकिन इतना सिर्फ इतना बता दीजिए सर, आपके राज्य में ये सब कुछ हो रहा है, आप इसे जायज मानते हैं? देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य में हो रहा है ऐसा कहना बिल्कुल इस रूप में थोड़ा सा गलत होगा कि हमने पकड़ा इस मामले को। अगर हम ना पकड़ते और इस पर हम लिपापोती करते तो आप हमको दोषी कह सकते। अच्छा, तो मतलब 6-7 साल लग गए सर आपको? नहीं, सीधी सी बात यह है, अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती तो निश्चित तौर पर इसकी लिपापोती की जाती। हमारी नीयत साफ है और इसीलिए हमने पकड़ा है इसको। शिषपाल जी वो कह रहे हैं हमारी नीयत साफ है, आपको क्या संदेह है, क्या दिक्कत है? देखिए तिलक जी, हिंदुत्व की बात करने वाली, सनातन की बात करने वाली, हिंदुत्व के नाम पर देश भर में आप राजनीति करके देश और प्रदेश की सरकारों में आगे, और हिंदुत्व का जो रोल मॉडल है ये उत्तराखंड स्टेट, आप देख लीजिए यहाँ पर जो है मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। आपकी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? आप जो है जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि साहब हम 2025 में इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे, तो ऐसे करके ये जो है अग्रणी राज्य बनाएंगे जहाँ जो है आप बच्चों को मूलभूत जो है शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और बच्चे मजबूरी में जो है मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो ये किस तरीके का हिंदुत्व? वसीम साहब ये तो बात तो सही कह रहे हैं बिज साहब कि भाई आप तो एक तरफ दूसरी तरफ दावे करते हैं, शिक्षा का हब है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हिंदू बच्चे। तिलक जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ
कि जो अवैध मजार बने थे वो किसके काल में बने थे, आपके काल में बने थे ना, हमने तोड़ा उसको। अब आप कहेंगे आपके तोड़ा है इसलिए आपके काल में बने हैं? नहीं नहीं नहीं, तो ये बीजेपी ने थोड़ी ना बनाए थे मजार वहाँ पे जाके। नहीं नहीं, कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये कैसे सर स्थापित कर देंगे कांग्रेस शासन काल में बनी मजार? कांग्रेस के समय में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उनका काल निकल के आ रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी है, आज भी खड़ी है। नहीं, किसके पक्ष में? मतलब ये है मजारों, अवैध मजारों के। अच्छा, अवैध मजारों के। जी, तो इनका जो एजेंडा हमारे सामने है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो एक दिन की गड़बड़ी तो है नहीं। नहीं नहीं, अगर वाली बात ही नहीं है ना बसीन साहब, ये तो सब कुछ तथ्य सामने है। या फिर आप ये कहिए कि रिपोर्ट झूठी है कि ये 10% जो गैर मुस्लिम बच्चे है ही नहीं। मैं तिलक जी ये कहना चाहता हूँ, जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पकड़ा और ये पकड़ने का हम कर रहे हैं। ओके शीशपाल जी, पहले आप जल्दी से, फिर हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ। हमने इसको पकड़ा है और हम इसकी जांच ये कह रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस के समय में मजारों को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर आप पक्ष में खड़े होते हैं, हम नहीं। जवाब दीजिए शीशपाल जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर के पास कहने के लिए कुछ नहीं, ये भूल रहे हैं कि 7 साल से प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार है। आप क्यों सोए हुए हैं? अगर कहीं कुछ अवैध गतिविधि हो रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो भाई आप इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। आपके नाके नीचे जो है गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष अलग सफाई दे रहा है, महेंद्र भट्ट जी अलग बात कर रहे हैं, पूरा जो है प्रोग्राम भाजपा के परिवार में मचा हुआ है। तो आप अगर बोलिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मदरसों में भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फिर हिंदुत्व की बात किस मुंह से करते हैं? किस तरीके से आप सनातन नहीं, बसीन साहब बोल देंगे, बसीन साहब ये कह रहे हैं मदरसों में हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ, तो ये पढ़वाए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस का एजेंडा है ना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। कुछ भी कह चाहते हैं, अगर कांग्रेस के जांच होनी चाहिए, कांग्रेस का एजेंडा सामने आ गया, हिंदू बच्चे पर बच्चे पढ़े, यही आसान एजेंडा है। बार बार का झुकाव है सामने आ रहा है हमारा, इनको लेना देना नहीं था। अब यहाँ नहीं है, मदरसों को 30 बच्चे और और कौन इसके पीछे खोलेंगे हम कांग्रेस लगाकर सामने आ गया की मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ने चाहिए। पढ़ने कोई आपत्ति नहीं है, क्या मामला वाकई में गंभीर है या फिर गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए तिलक जी, मामला तो बहुत गंभीर है और सीधा सीधा शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा होता है कि आज शिक्षा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके क्या हाल है। जो अगर मदरसों पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर इनके सरकारी स्कूल इनकी व्यवस्था सही की होती, वहां पर जर्जर हालत है सरकारी स्कूलों के, नगर निगम के स्कूल देख लीजिए। सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, डबल इंजन की सरकार, धामी जी की सरकार, जो कहते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो आज धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। जब शिक्षा व्यवस्था पर कि हमने इतना खर्च कर दिया, बजट इतना लग गया, कहाँ है वो, कहाँ दिखाई दे रहा है? आज पलायन कितना पलायन हो चुका है, पहाड़ों पे जाने को कोई तैयार नहीं है, कोई शिक्षक जाने को तैयार नहीं है पहाड़ों पे। तो ऐसा क्यों नहीं सुधार हो पाया है? 6 वर्षों से तो इन्हीं की सरकार है। अच्छा, तो मतलब 23 साल पहले पहाड़ चढ़ रहे थे सारे शिक्षक और डॉक्टर? 23 साल से जो शहादत दी थी ना हमारे आंदोलनकारी जो साथी है, आज जिस चीज के लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज कहाँ है? आज तक नहीं मिल पाया है, उत्तराखंड वालों को तो मिल ही नहीं पाया है। आज भी बद से बदतर स्थिति हो गई है। 23 वर्ष बाद भी आज हम उसी उस पर खड़े हैं। अब कल ये लोग जश्न मनाने जाएंगे, भाजपा वाले जनता की कमाई से बड़े बड़े जश्न मनाएंगे कि 23 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज इन्होंने क्या प्रदेश को क्या दिया है? बद से बदतर हालत हो गए हैं। आपको लगता है ये मुद्दा गंभीर है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मुद्दा बिल्कुल गंभीर है। इनको हमारे दिल्ली मॉडल से प्रेरित होना चाहिए, शिक्षा मॉडल से। अच्छा, यहाँ पूरा बोले शिक्षा मॉडल से, वो दूसरा कहीं मॉडल समझ ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शिक्षा मॉडल हमारा जो दिल्ली में है, देश विदेश में जिसके चर्चा हो रहे हैं, इनको वहाँ से लेनी चाहिए सीख। बसीन साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो कोई और मॉडल समझ गए थे बसीन साहब। नहीं, बसीन साहब जो है, मैं
भाजपा के एक साल में ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने अवैध काम हो रहे हैं अवैध वो सब भाजपा के कार्यकाल में हो रहे हैं, तो ये तो वसीम जी जाने। नहीं तो इसमें अवैध क्या हो गया, अगर अगर दूसरा पक्ष देखिए कि अगर हिंदुओं के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं तो ऐसी नौबत क्यों आई। अच्छा ये विषय ये है कि मतलब हिंदुओं के बच्चे मदरसों में नहीं जाने चाहिए, विषय ये है ना। उन्हें स्कूल घोषित करें भाई, उनको मान्यता दे, अगर इनको लगता है कि बहुत अच्छा है वहाँ पर अच्छी पढ़ाई है तो ये उसको स्कूल घोषित करें। बसीन साहब जवाब देंगे, फिर उसके बाद शीशपाल जी आ रहा हूँ आपके पास। बसीन साहब वो कह रहे हैं कि हमारे दिल्ली मॉडल, उसके बाद उन्होंने संशोधित किया, उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर आप गौर फरमाए जी, और आप मुस्कुरा रहे थे। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि केजरीवाल जी के या आम आदमी पार्टी के कितने बच्चे इनके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो विदेशों में भी जाते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये बाकी कहने की बातें बड़ी अच्छी हैं। और क्यों दिल्ली के अंदर जो है सरकारी स्कूलों के अंदर छात्रों की संख्या कम हो रही है, ये तो आंकड़ा है ना, सरकारी स्कूलों में दिल्ली में छात्रों की संख्या कम हो रही है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता अपने जो बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेशों को भेजते हैं, तो ये जो दोहरा चेहरा है ये हमें ना समझाए ना। आप गौरव की बात तो करते हैं, पहले आप अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, छात्र संख्या गिर रही है उसको संभालिए। आम आदमी पार्टी का वैसे ही है जैसे मैं बेईमान नहीं हूँ और सारे के सारे बेईमान निकल रहे हैं। केजरीवाल जी कहते थे मैं बेईमान नहीं, कोई जवाब मिलेगा तो मैं इसको जेल में डाल दूंगा। आज सारे जेल में पढ़ लेके वो मंत्री बने रहे और अब खुद भी कह रहे हैं कि अगर मैं तो मुख्यमंत्री बना रहूंगा। तो ये आम आदमी पार्टी का करूंगा कि मसला बहुत गंभीर है और कांग्रेस का एजेंडा भी सामने आ गया कि हिंदू बच्चा मदरसा समय पढ़ता है तो कांग्रेस को समस्या नहीं है, अगर पढ़े तो एजेंडा भी सामने आ गया। इसी प्रकार से अवैध मजार बनी है तो बनी रहे, छेड़िएगा तो एजेंडा भी सामने आ गया। एजेंडा पूरा कांग्रेस का सामने है, एजेंडा आम आदमी पार्टी का सामने है, तो बहस नहीं। बसीन साहब एक मिनट मैं शीशपाल जी के पास आऊं। ये एकाएक कभी लव जिहाद, फिर उसके बाद लैंड जिहाद, फिर उसके बाद वो अवैध मजार, और अब एक बार ये मदरसों वाला मामला, ये ऐसा लग रहा कि कुछ सीरीज चल रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब हमने कभी उत्तराखंड में सोचा था बसीन साहब ये सब चीजें हैं? ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं, ये उसका प्रेशर देने वाले लोग हैं और कांग्रेस ने अपने समय में इन बातों को बढ़ाया आगे, जो लोग गलत सर सात साल से आप राज कर रहे हैं इसमें भी हम तो कर, मैं कह रहा हूँ ना हम तो खोल रहे हैं तिलक जी, हम तो पकड़ रहे हैं, हम अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं बेची। तो हम और ये जो आज मद्रासा बोर्ड का मामला सामने आया ये भी तो हमारे कल्याण बोर्ड ने खोला है, किसने खोला है? हम ही तो खुलासे कर रहे हैं आपके कुकर में और क्या, इसलिए हम जो निगत के काम कर रहे हैं कांग्रेस का एजेंडा सामने है, मांडू बच्चा उसमें पड़े आपत्ति नहीं है। मोहम्मद की हिंदुत्व की सरकार आपकी है और आप जो है इसको हिंदुत्व का रोल मॉडल बनाने की बात कर रहे थे। नहीं सरकार तो संविधान से चलेगी ना कि हिंदुत्व से चलेगी, आप ये किसी ने बोला क्या? मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिंदुत्व की कसम खाता हूँ। ये आप लगातार यूसीसी की बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि साहब मदरसों की बात जो है साल भर से डिबेटों में हो रही है, साहब अवैध मदरसे चल रहे हैं तो किसकी नाक के नीचे चल रहे अगर कहीं भी कुछ अवैध हो रहा है। अभी तो आप कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जो है मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, वहां तो संस्कृत तो पढ़ाई नहीं गई लेकिन उल्टा जो है गैर मुस्लिमों के बच्चे अलिफ बे से सीखने के लिए मजबूर हो गए। तो ये क्या चल रहा है इस राज्य के अंदर? अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल खड़े करो वो जो है जवाब अजीब से मिल रहे हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी कहते हैं साहब मुख्यमंत्री जी ने इसका गंभीरता से संज्ञान ले लिया, जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस पर गंभीर है, ये कैसे हो गया? दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब जो है कुछ भी गलत नहीं है। तो भाई एक बात पर तो समझे रहे कम रही है ना, एक स्टैंड पे आप बोले कि नहीं नहीं साहब जो है मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी कि अब मदरसों में भी बिल्कुल जो है गैर मुस्लिमों के बच्चे पढ़ सकेंगे, तो फिर जांच किस बात की कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मदरसों में अवैध गतिविधियां हो रही है, तो चल क्या रहा है इस राज्य में? आप ही की सरकार में सब हो रहा है, आप माई बाप है इस प्रदेश के, तो एक स्टैंड सरकार का नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ जो राज्य शिक्षा के मामले में देश में दूसरे नंबर में आता था,
जहाँ जो है शिक्षा के नाम पर हमको गर्व होता था कि हम उत्तराखंड प्रदेश के, आज जो है उस शिक्षा के मामले में शिक्षक के तीसरे नंबर पर चला गया और उल्टा जो है हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो भाई ये आपका रोल मॉडल है, ये आपका विकास है, ये आपका 2025 का लक्ष्य है जिसमें से आप प्रदेश और देश को देना चाहते हैं। शांत करा दीजिए, तो ये सारी मेरा कहना ये है तिलक जी कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदू बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में, ये गंभीर मामला है। और मदरसों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, एक धर्म विशेष की दी जाती है, ठीक है, उनका अधिकार है, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त है, उसके तहत तो ऐसा करते हैं। लेकिन हिंदू बच्चा वहां से जा रहा है, ये बड़ा जांच का विषय है कि वहां क्यों जा रहा है। अच्छा, कोई बड़ा खेल हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब आपकी सरकार एक्शन लेगी? एक्शन लेगी ना, किस पर लेगी? यही बात कर रहा हूँ, किस पर एक्शन लेगी आपकी सरकार, बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मदरसा स्कूल चलाने वाले गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे हमने फर्जी बंद किए हैं, इन पर कार्रवाई होगी। मदरसा के सर ये मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त होने के बाद तो गड़बड़ होती है, सरकारी स्कूलों में गड़बड़ नहीं होती क्या? जहाँ भी हो सकती है, कहीं हो सकती है, जो भी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली बात, आरटीई का दुरुपयोग हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये सब बातें इतनी गंभीर उलझी हुई हैं, इनका पर्दा खोलना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा सामने आ गया है, इनको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि हिंदू बच्चा जो है जाके मदरसों में जाए और वहाँ के जो धार्मिक उनकी जो शिक्षा होती है नहीं, उस पे आपत्ति जताई है उन्होंने? नहीं नहीं, बीसी ने आपत्ति जताई है, हेमा जी ने भी आपत्ति जताई है। नहीं, इन्होंने बीसी ने बिल्कुल आपत्ति नहीं जताई, कह रहे पढ़ते हैं पढ़ने दीजिए, क्या आपत्ति की बात है? तो ये कह रहे थे, और नहीं तो खुले हम बोलते हैं आपके चैनल पर। अच्छा, मुझे एक दिल पर हाथ रख के बताइए बसीन साहब जी, आपने तो सूबे का सबसे बड़ा डीएवी कॉलेज का नेतृत्व किया है, कभी आपने देखा कि ये हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है? देखिए स्थितियां, हमारा जो कॉलेज है उस कॉलेज के अंदर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होता। हाँ ना, मतलब ना, कभी आपने तो गुरु की नजर से ही देखा ना सबको, दोनों आंखों से गुरु की नजर से ही देखा ना सर? देखा उनको गुरु की नजर से, लेकिन मैं संविधान तो आपने भी ये देखा कि ये हिंदू है मुसलमान है, या मुझे ज्यादा हिंदू को पढ़ाना है मुसलमान को नहीं पढ़ाना? आपने तो दोनों को वही शिक्षा दी ना सर? हमारे और आपके पढ़े हुए बच्चे आज कहाँ कहाँ पहुंच गए सर? तो आपने भी तो नहीं बांटा ना बच्चों को धर्म में? तिलक जी, अल्पसंख्यकों के मदरसा बोर्डों में जो तालीम दी जाती है वो धर्म विशेष की दी जाती है, तो क्या हिंदू के बच्चे को सर आपने तो अब संस्कृत की बात? ओके हेमा जी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए बताइए? बसीन साहब कह रहे हैं एक्शन होगा। तिलक जी आज इनके एक प्रवक्ता हैं कुंवर जपेंद्र जी, उन्होंने कल ही एक डिबेट में कहा था कि अगर वो वहाँ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है, हमने सब, उन्होंने पूरा बोला है बिल्कुल चैनल के चैनल के आगे बोला, आप के न्यूज का डिबेट देख लीजिएगा कल का, और उन्होंने साफ बोला है, साफ बोला है कि बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पर एनसीईआरटी, अगर उसको बढ़ावा मिल रहा है, आप देखिएगा कल की डिबेट, आपने मैंने कभी कहा तो पता चलेगा आपको, तो आपके दोहरा चरित्र जो है ना, ये जो चुनाव में आते आते आपका दोहरा चरित्र हो जाता है, कहीं आप कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, कहीं आप कहते हो कि मदरसों में पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, पढ़ना चाहिए, आपको अपनी शिक्षा नीति बहुत अच्छी लगती है, यहाँ शिक्षा नीति, क्या आपकी शिक्षा नीति पे सवाल नहीं उठते? आपको चुनौती दे रहा हूँ, अरे जो भी अवैध है वो अवैध के, आप बिना आधार के हेमा जी एक मिनट मेरी बात सुनो, कुंवर जपेन ने किस डिबेट में क्या बोला, वो बीजेपी प्रवक्ता है, वो बीजेपी संगठन जाने, एक मिनट रुकिए ना, अलग अलग बातें करते हैं। हेमा जी एक मिनट तो रुकिए, मैडम आपके नेता भी बहुत अलग अलग बातें करते हैं कई, अब रुकिए तो सही, एक मिनट मैं विषय पर आ रहा हूं, आप ये बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं कि क्या हो, सरकार क्या करे इस विषय पे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। सरकार को शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को सुधारना चाहिए, जो शिक्षा की ये इतनी बुरी हालत उत्तराखंड में है, भविष्य बच्चों का बर्बाद करने में चले हैं, सरकार बड़ी बड़े वादे करती है तो शिक्षा व्यवस्था में। अच्छा आपका क्या स्टैंड है, आप आपका क्या स्टैंड है कि हिंदुओं के बच्चों को मदरसों में जाना चाहिए कि नहीं? अपनी शिक्षा मदरसों में क्यों जाएंगे हिंदू के बच्चे जब अपनी शिक्षा व्यवस्था सही? क्यों शिक्षा में भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? भेदभाव की बात नहीं है ये तो उन्हें घोषित करें ना, उन्हें मान्यता दें।
भाई अपने नहीं, मान्यता प्राप्त है वो मदर से। ठीक है तिलक जी, 3000 स्कूल इन्होंने बंद करवा दिए। क्यों बंद करवा दिए? मैंने आपसे पूछा कि आपको दिक्कत क्या है अगर हिंदुओं के बच्चे मदरसों में जाएं तो? बात मदरसों की नहीं है, बात हाँ। ये है कि मान्यता प्राप्त स्कूल इनके क्यों नहीं चल पा रहे हैं सरकारी? मतलब आप इसका विरोध करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हाँ। फिर आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रही है मैडम। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मदरसों पे पढ़ने पे क्यों मजबूर हुए बच्चे? हाँ, ये बात ठीक है आपकी। ठीक, शीशपाल जी क्या करना चाहिए सरकार को? हेमा जी ने बताया नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये अब उत्तराखंड की शिक्षा नीति है कि जो है हम इनसे अपने जो प्राथमिक स्कूल नहीं चल रहे हैं, जूनियर स्कूल नहीं चल रहे हैं और बच्चे अब मदरसों में पढ़ेंगे, तो ये अगर सरकारी नीति का हिस्सा बन गया तो इसको जो है स्वीकार करें और घोषित करें। और लाइव में कमेंट आया, पढ़ दूं, बेशी वो कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी तो आप इसे लीगल कर देंगे ना? आप अपने जो है प्राथमिक स्कूलों को, जूनियर स्कूलों को नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ पर अध्यापक नहीं है, वहाँ पर भवन नहीं है, तो इतनी देर हो गई हमारी उत्तराखंड। शीशपाल जी लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि शीशपाल जी अब आपकी सरकार आएगी तो आप इसे लीगल कर देंगे ना? देखिए तिलक जी, हम सीधी सी बात है कि कांग्रेस के दौर में जितने स्कूल बने, जितनी सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की रही, वो आज चरमरा गई है। ये शिक्षा व्यवस्था को कायम नहीं रख, मैं आपकी बात समझ गया। आपने पहाड़ों पर डॉक्टर भी चढ़ा दिए थे और शिक्षा करने का काम करेगी सर, एक इन्होंने पटरी से उतार दिया है। ठीक है, ओके बसीन साहब, सवाल घुमा दिया आपने, फाइनल कमेंट आपका। अब ये बता दीजिए किस पर एक्शन होगा? अब सुन लीजिए अभिषी, एक मिनट, किस पर एक्शन होगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले कभी भी नहीं बोलेंगे इस बारे में, क्योंकि ये दोनों नाव में पैर रख के चलना चाहते हैं, तुष्टिकरण भी करना चाहते हैं और तिलक भी लगाना चाहते हैं। तो आप, जहाँ हमारी बात है, जहाँ हमारी नहीं, बात आप तो तिलक लगाने वालों में से है ना, मैं तिलक ही पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। जहाँ तक हमारी बात है, तो निश्चित तौर पर जहाँ भी किसने भी लक्ष्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो और चाहे वो मदरसा के कोई स्कूल हो। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर भी गड़बड़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये जांच के बाद सामने आएगा। और अभी राष्ट्रीय जो आयोग, बाल आयोग, सुरक्षा आयोग, उन्होंने जो उत्तराखंड के सचिव हैं समाज कल्याण के, उनको कल दिल्ली बुलाया है अपनी बात को रखने के लिए। क्या बताइए, क्या किया, कैसे हुआ सब कुछ? चलिए, आप संतुष्ट है मारी? वो कह रहे हैं कि हाँ एक्शन होगा। गुणगान कर रहे थे भाजपा का आते ही, वो तो लग रहा था कि स्टार प्रचारक हैं जैसे भाजपा के, ऐसे लग रहा था। हेमा जी, तो आप गुणगान कर रहे थे बहुत ज्यादा। हेमा जी आप एक मिनट, महिला आयोग में कोई आप अपना प्रतिनिधित्व बिठाएंगे तो वो केजरीवाल जिंदाबाद ही बोलेगा ना, है ना? कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि, तो हर पार्टी संगठन अपने स्तर पर एडजस्ट करते हैं लोगों को, तो आप इतने नाराज मत हुआ करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी, शीशपाल जी और बसीन साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विषय गंभीर है, सरकार खुद मान रही है, जांच की बात कर रही है और एक्शन की बात भी हो रही है, लेकिन एक्शन होगा। सवाल यही कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्यों? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।